जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ ध्यायेत् ब्रह्मांडनाथम् नीलनीलदतनु रत्नसिंहासनस्थम् तदक्रे भाग्यदात्रे रुचि रुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदक्रे कामपालं धवलवरतनु लंगलं जस्यवाणु श्रीलक्ष्मी रेवतिर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारो स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथंक पद कमल तले यधमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम जनंको विष्णु प्रायामाणि नमयिताहंकाचाराणि चंडे बोलाई हरि हरि भो जगन्नाथा दाई तारी दिव्यात्मन दर्शन करुछन्ति पतित पावनंकर वेश श्रृंगार अनुष्ठित करा जाउछि। वेश श्रृंगार को महाप्रभुंकर सेवक पूजा पंडा सेवक से सेवा को संपादन करुछन्ति। या पूर्वरु मध्य कथा श्रवण करुथिले महाप्रभुंकर से न्यायर देवता हेउछन्ति शनिश्चर। जो कथा को मोर बड़ भाई पंडित शेषदेव भाई मोर कहुथिले सतरे आज्ञा न्यायरे रहिले सब कथा महाप्रभु मध्य आपणकर पाख को आसीबे। गरुड़ स्तंभर कथा गोटे कथा आसी थाए महाप्रभु को आपण जेउठा को जिबे सेठारे किछि ना किछि नीति नियम अछि। किंतु आमर एठारे स्वतंत्र भावरे मणिमांकर पाखरे कलिया शांतंकर पाखरे सब किछि विचित्र। ए विचित्र भितरे आउ गोटे विचित्र र दिया मध्य आमर एठी विचित्र चका चका नयन डंगा भली तंकर अधर। जो अधर रे आउ जो मुखरे ही ग्रह रूपी दनार्दन ग्रह समस्त ग्रह माने मध्य विराजमान करी जाई छंती। महाप्रभु को देखुचंती प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर वस्त्र मध्य रंगर वस्त्र अलगा। आज मध्य सही भली भावरे महाप्रभु जो वस्त्र परिधान करुछंती शनिवार सेथिपाई मध्य वस्त्र रंग मध्य शनिवार हेतिबा द्वारा शनिंकर एई बार प्रति प्रिय। शनिवार होची शनिंकर प्रिय। आउ जेते प्रकार रहिछि जेपरि भावरे सोमवार चंद्रंकर प्रिय रविवार होची सूर्य नारायणंकर प्रिय मंगलवार मंगलंकर प्रिय बुधवार बुद्धंकर प्रिय गुरुवार बृहस्पतिंकर प्रिय शुक्रवार शुक्रंकर प्रिय शनिवार होची शनिश्चरंकर प्रिय। एभली भावरे ग्रह रूपी देखिया को गले मध्य ताहा मध्य ए अनुसार मध्य जाई थांती। महाप्रभु मध्य सही भली भावरे रंग मध्य परिधान करी थांती। देखुचंती कि परिभावरे वर्षा मध्य पड़ुछी श्रावण रा वर्षा धारा श्रावण बोली कह जाई थाए। श्रावण रे महाप्रभुंकर मंदिर स्वतंत्र भावर सुंदरता मध्य आपण अनुभव करुछंती। कहीं मेघमाला को निंदे कला को चाहिवारे प्रभु चका डोला को ये मेघ आच्छादित करिबा सहित महाप्रभु पतित पावनंकर मध्य सही भली भावरे जो वेश महाप्रभु धारण करिछंती जेपरि भावरे कला हांडिया मेघ महाप्रभु को चतुर्दिगरे घेरी देइछि। एई भली भावरे प्रत्यवान होउछि
ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିନ୍ଧାଯାଉଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିକି ରହିଥିଲେ ଅବକାଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେପରି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସି ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ଆଉ ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବେ, କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶର ସୁନ୍ଦରତା, କାହିଁକିନା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳମ୍ବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯାଇଥାଏ, ବାଦଲର ଆତଜାତକୁ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ସେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଘକୁ ଦେଖିଲେ ମୟୂର ନାଚଇ ଆମ ମନ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଦିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠାରେ ଏପରି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ନାହିଁ କି କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ, କେଉଁଠାରେ ନମଖମ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ ତ କେଉଁଠାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଧାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆ ଭିତରେ କୋଟିଏ ଦେବତା ସଭିଏ କହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ପକା, କୋଟିଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଯିଏ କହେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିପରି ଭାବରେ ନା ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ମଣିମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭୁଜକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଅତୀବ ଜବନ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଲ ବେଗଙ୍କର ରଚନାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେ କଥା କ'ଣ ନା, ବେନି ଭୁଜ ଟେକି ପ୍ରଭୁ ଯାଚୁ ଅଛ ଶରଣ। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କଳି ଯୁଗେ ବିଜେ କରି ବୌଦ୍ଧ ତାରେଣ ବେନି ଭୁଜ ଟେକି ପ୍ରଭୁ ଯାଚୁ ଅଛ ଶରଣ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଶରଣ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଶରଣରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମଣିମାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ମଣିମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଭକ୍ତଟିଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରେ, ଭକ୍ତଟିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ମଣିମା କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଆଲିଙ୍ଗନର ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସବୁଠାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲିଙ୍ଗନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ ଆଲିଙ୍ଗନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ,
मने मने भावे आम तो गरुड़ स्तंभ को आज्ञा कुंडेलु आम किपर भाव महाप्रभुंकर कुंडेबार महाप्रभुं आलिंगन करार सुख आज्ञा प्राप्ति हे कई गोटे कथा रसानंदो राधा सरसव पुरालिंगन सुखो महाप्रभु कौन करती रसानंदो राधा सरसव पुरालिंगन सुख महाप्रभु परम ब्रह्म रूप से विराजमान करिछंती ब्रह्म रूप से समस्त को नयन रे देखुचंती एटा त आपण कदापि समस्ते मानिबे ना जी आपण जयउठा को अनंतु महाप्रभु को महाप्रभु आपण को देखुचंती आपण को देखुचंती कहीं समदृष्टि दिया ठाकुर से महाप्रभु चतुर्वर्ग दाता महाप्रभु परा चतुर्वर्ग दिया चकानयन चतुर्वर्ग को प्रदान करती आसती देखु आप चका चका नयन को देखु किए जीए कह आज्ञा महाप्रभु मत ही चाहती से भाव महाप्रभुंकर चाहणी जो नयन जिते बड़े महाप्रभुंकर नयन जिते बड़े भक्तर नयन मिसी जाए जिते बड़े श्री नयन सो नयन रे मिसी जाए से कौन हुई थाए ना आलिंगन सुख को महाप्रभु प्रदान करती किपरि भाव मन भितरे चिंता कर दियंती भक्त दुई हाथ को टेकी दियंती दुई हाथ को टेकी देवा परे परे गरुड़ स्तंभ आज्ञा आसी थाए जो स्तंभ ना पथर ना काठ किपरि भाव कौन ताहा केही जानी नांते पर्यंत सीए मध्य रहस्य से रहस्य को किए बा जानी पारिबा महाप्रभुंकर रहस्य से रहस्य भितरे मध्य आम्भे माने मध्य एबे रहस्य भाग्यर रे पुनर्वार चिंता करुथिबे आपण महाप्रभुंकर सतरे आलिंगन रो सुख महाप्रभु प्रदान करन निश्चित आज्ञा तिले मात्र संदेह नाही महाप्रभु आलिंगन सुख सुख को प्रदान करती बोली कारण अनेक प्रकार तत्व रही अनेक प्रकार कथा रही भितर गोटे कथा को आपण श्रवण करतु जहाद्वारा निश्चित भाव आपणकर विश्वास हो कहीं ये मोह कथा नुह आज्ञा मुदेवी आपण विश्वास करे से गरुड़ स्तंभ को आलिंगन अर्थ महाप्रभु को कुंडेवा ये हूँ मुनि आज्ञा जिते बड़े चैतन्य महाप्रभु ये प्रायत पहांश वर्षर पूर्वर कथा आज्ञा से समय रे महाप्रभुंकर पाखरे अर्थात से धाम जो धाम आपण देखुचंती जो धाम रे सदा सर्वदा महाप्रभुंकर केवल चिंता चली थाए महाप्रभुंकर सदा सर्वदा दर्शन करी तंकर अतिवाहित करी चली छंती चैतन्य महाप्रभु महाप्रभुंकु आलिंगन करिबा पाई दर्शन करिबा पाई से सदा बेले मध्य कौन करंती चेष्टा करंती किपरि भावरे महाप्रभुंकु आलिंगन करिबे सेथिपाय मध्य मनरे भारी व्यस्त विव्रत होई महाप्रभुंकु कौन करंती आउ गोटिए कथा चैतन्य चरितामृत रे मध्य लेखा जाइछि राधा कृष्णंकर आलिंगनर समय को निजे तंकर पदार विंदरे मध्य निवेश करिबा पई से बारंबार बारंबार समुद्र को मध्य डियंती यार मध्य प्रमाण रहिछि काहेकिना जते बेले झेउ आसी थाए धळा रंगरे पुनर्बार नील जल राशि ये दी जन जते बेले मिली जानती जे सेते बेले चैतन्य महाप्रभु चिंता करती ये होछंती श्यामर रंगर नील रंगर वर्ण हेउछि कृष्ण आउ सेपटु जो ढेउ आसुछि ये होछि गौर रंगर प्रतीक भावरे राधा राणी इभली भावरे विंध्य चिंता करी लंफ प्रदान करती सेई भली भावरे जगन्नाथंकु आलिंगन करिबा पई दर्शन करती केउठारे ना गरुड़ पछरे देख
दिशुछि कला श्रीमुख गरुड़ पछरे देख दिशुछि कला श्रीमुख गरुड़ पछरे रही सदा सर्वदा महाप्रभु को देखती आज्ञा सेते बेले अते भिड़ नथिला संपूर्ण भावरे महाप्रभु आउ तंकर नयन चैतन्य महाप्रभुंकर नयन महाप्रभुंकर नयन मिसी जाए बारंबार बारंबार कुलाग्रत करिबा पई इच्छा होथिबो कारण महाप्रभु सेते बेले वस्त्र पिंधुथिबे किंबा कौन करुथिबे से कथा को जेते बेले चिंता करुछंती कौन करिबे गोटे कथा मध्य आपण सुनिथिबे चैतन्य महाप्रभु आउ मध्य जगन्नाथ दासंकर संवाद से कौन थिला ना जो संवाद जे कि बारंबार मालक प्रदान करुछंती महाप्रभु बारंबार ताकु मध्य ग्रहण करुनाहंती कारण गंठी पड़ीथिबा द्वारा सेते बेले जगन्नाथ दास कौन कहिले ना गंठी टिकु फिटेई दियो महाप्रभु को आपण समर्पित करि दियो सेई भली भावर सहित एपटे मध्य महाप्रभु को बारंबार बारंबार आलिंगन करिबा पई चेष्टा करुछंती मन भितरे पूजा करंती मन भितरे छिड़ा होई सेठारे समस्त प्रकार र मध्य सबु किछि प्रदान करंती सेई भली भावरे बारंबार बारंबार महाप्रभु को आलिंगन करिबा पई जते बेले चेष्टा करुछंती सेते बेले सेवक माने मध्य महाप्रभु को सेवा करी थांती ना असुविधा बारंबार बारंबार हैला एठारे मध्य सीए मध्य जेहेतु महाप्रभुंकर सेवारे व्याघात घटुचि कौन करिबा पई ना सेपटे मध्य सेई भली भावरे कीर्तन करुथिले मन मध्यरे केतेक पाठ मध्य महाप्रभु को सुनई थांती प्रत्येक दिन जगन्नाथ दास से भली भावरे किछि किछि मंत्र पाठ सुनौचंती तंकर लिखित किछि किछि भागवतर किछि किछि मूल अंश मध्य सुनाउचंती एई भितरे देखिले बारंबार महाप्रभुंकर एई भली भावरे महाचैतन्य महाप्रभुंकर कथा को देखी ये मध्य विव्रत होई गले कान पाखरे जाई कही देले आपण महाप्रभु को आलिंगन करिवार सबुबेले इच्छा अछि मु जानुछि गोटिए काम करंतु सेई भली भावरे आलिंगन आपण करि पारिबे प्रत्येक समय रे जते बेले मध्य आलिंगन करिवे महाप्रभुंकर सेवारे व्याघात घटिबो नै आउ आलिंगनर सुख ही आपण प्राप्ति हेबे कौन करिबा को पड़िबो पचारिले सेते बेले कहि देले देखंतु किपरि भावरे मु आलिंगन करुछि आपण सेई भली भावरे देखि थांतु जेपरि भावरे आपण मन भितरे महाप्रभु को देखुचंती मन भितरे आपण चिंता करुचंती सेई भली देखु थांतु किपरि भावरे कौन करिबा पई कौन कले ना गरुड़ को संपूर्ण भावरे कोलाग्रत करि देले आलिंगन करले सेते बेले सी मध्य नयन को बुझी महाप्रभुंकर सहित लय लगाई देखिले जे जगन्नाथ दास महाप्रभु को आलिंगन करुछंती किछि असुविधा होनी सेवक माने तंकर सेवा मध्य करी चली छंती इ भली भावरे जते बेले देखिले पुनर्वार आखि खोली कि पचारिले आपण किपरि भावरे आलिंगन कले मु तो देखिले आपणकर केउ सेवकंकर मानंकर मध्य असुविधा होनथिला आपणकर आलिंगन समय रे सेते बेले बतेई देले काहेकि ना भक्त भाव जाने जगन्नाथ जो जगन्नाथ दास से भक्तंकर भाव को बुझी पारंती सेति पई भक्तर भाव को से बुझी पारी ए कथा को कहितिले जे कि महाप्रभु को आलिंगनर सुख से गरुड़ स्तंभ को आलिंगन कले मध्य प्राप्ति होई जाई थाए सेति पई स्वतंत्र भाव रे कोटिए भितरे गोटिए देवता जिए कहे मते कुंडेई पका से महाप्रभुंकर जो गरुड़ स्तंभ को आपण बारंबार आलिंगन करंतु महाप्रभुंकर आलिंगनर सुख को आपण प्राप्ति हेबे एथिरे तिले मात्र संदेह नाही
महाप्रभु को आपण दर्शन करुछंती जेते बेले मध्य निश्चित भावरे गरुड़ स्तंभ को आज्ञा आलिंगन करंतु। गरुड़ स्तंभ को आपण निश्चित भावरे टिके कुंडेई पकांतु, काईकिना सबु आड़े मुंडिया एठारे महाप्रभुंकर कुंडेई पकेबार जो काईकिना जण जण को देखिले एते विभोलित होइ जांती, एते भावरे मजि जांती। आज्ञा दुई जणंकर शरीर शरीर रे संपूर्ण भावरे लागि जाई थाए। समस्त प्रकार देखी नक्थिबा मणिमा आपणंकु केते दिन हैला देखी नाही। ये गोटिए भक्त गोटिए मुहूर्त जदि न देखिब तहार मध्य किपरि भावरे हेउथिब से ही जानिथिब। जेपरि भावरे माँ को पुओ देखिबन उठिला मात्र के माँ माँ बोली चिलेइब, से जदि माँ पाखरे थिब आज्ञा से एते जोर चिलेयानी। यदि माँ कुआडे जाइथिब प्रथमे से हात धू किंबा किछि जहा किछि करू न करू प्रथमे खोजिब तार माँ कुआडे गला, कहीं प्रति मुहूर्त रे ताकु माँ ही दरकार। माँ सबु करिब तार सेथिपाई खोजि थाए नाही, मोर माँ कुआडे गला प्रथमे खोजि थांती। सेभली भावरे भक्तटिए जेभली भावरे किछि जानु न जानु से किछि जाने नाही, केवल महाप्रभु ही महाप्रभु महाप्रभुंकु देखिब। महाप्रभुंकु टिके महाप्रभुंकु केते कथा कहिब देखुथिब कहुथिब पुनर्बार महाप्रभु शुणुथिबे। एइभली भावर सहित गोटिए क्षण मध्य महाप्रभुंक ठारु से मध्य विच्युति हवा पाई चाहे नाही भक्तटिए। जेपरि भावरे महाप्रभु सदा सर्वदा तारि पाखरे थांतु ता कथा सुनु थांतु, से जेउठा को जीव महाप्रभु सेठारे थांतु एई भावना मन भितरे थाए। सेति पाई तो महाप्रभु मध्य निश्चित भावरे महाबाहु बोली तंकु मध्य कहा जाय थाए। महाबाहु आपणंकर पाद पद्म अनंत कोटि कोटि दंडवत मणिमा भावरे मध्य गुहारी करी थाए, कहीं ना महाप्रभु समस्तंकर गुहारी सुनी थांती। सेति पाई तो गोटिए कथार अच्छी मणिमा सुनीमा हेउ गरीब डाक, समस्तंकर गुहारी सुनी थांती। कहीं ना महाप्रभु सदा सर्वदा समस्तंकर केवल गुहारी सुनिबा पाई अछंती, आउ भक्तर भाव को बुझिबा पाई अछंती। सेति पाई भक्तर भाव होई थाए महाप्रभु को सदा सर्वदा आलिंगन करिबा पाई। सेति पाई गरुड़ स्तंभ उपरे महाप्रभु गरुड़ विराजमान करिछंती। चिंतन आपण करिबे महाप्रभु उंकर पदारविंद रे गरुड़ बसिछंती, अर्थात पद ठारु टिके तलकु बसिछंती, कहीं सदा सर्वदा करपत्र जोड़ी महाप्रभु गरुड़ उपरे मध्य बसंती। से भावना करि दे महाप्रभु को जेते बेले कहीं महाप्रभुंकर जेपरि भावरे आपण देखुछंती घरे बसी मध्य महाप्रभु को देखुछंती, प्रत्यक्ष नहले परोक्ष भावरे मध्य देखुछंती ना। जेते बेले परोक्ष भावरे महाप्रभु को आपण देखुछंती, प्रत्यक्ष भावरे देखितांती परोक्ष भावरे देखितांती, जेते बेले कहिबा कथा हुए आपण साक्षात भावरे आसी कहितांती, नहले कहा को कहि दियंती महाप्रभु को टिके जणेइ देउ आज्ञा महाप्रभु मध्य जानिथांती आज्ञा। जेपरि भावरे दासिया बाउरी नड़ियाटिए पठेइ देला, कहिला तंकर जे कुल पुरोहित अर्थात जे आसुथिले ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवतांकु आज्ञा शांते बोली मध्य कुहंती, शांते ब्राह्मण शांते आपण जाउछंती श्रीक्षेत्र को मु तो जाईपरिबिनी, ये नड़िया को आज्ञा निंतु महाप्रभु को देवे कहिबे दासिया देइची बोली। महाप्रभु जदि नेबे ताहले देवे नहले फेरे आणिबे आज्ञा। एभली भावरे प्रत्यक्ष नहले परोक्ष भावरे महाप्रभु को किछि दिया जाई थाए।
ତା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାହା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଜୋର ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ସେତେ ଜୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବେ ତାର ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅନୁଭବ ବିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ଆସିବା ତା ସହିତ ଏକୁ ସବୁ ବୁଝିବା ସବୁ ମଧ୍ୟ କାଠିକର ପାଠ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିପରି ଭାବରେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଉଥିବେ ଆସୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିକି ଯାଉଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି କେତେବେଳେ ଆସିବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ଟଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲି ଏ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ତାହା ଅନୁଭବର ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଶନିବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳାବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିମଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅଳକା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ମକରର କୁଣ୍ଡଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ କମରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ କମରପଟି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଝୁବାଟିଏ ଲାଗିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏସବୁ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶନିବାର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ନବଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଦନାର୍ଦ୍ଦନ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ ତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରଖାଯାଇଛି। ଭାସ୍କରଂ ବାମନେତ୍ରଂ ଭାସ୍କରଂ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ରଂ ବ୍ରାମନେତ୍ରଂ ବିଧୂପମଂ ମଙ୍ଗଳଃ ନାସିକାନେ କ୍ଷେତ୍ରଂ ବୁଧାଧାରଏବ ଚ ବୃହସ୍ପତି ତିଳକଂ ଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣରତ୍ନମଣ୍ଡିତଂ ଶୁକ୍ରଂ ଚତୁଷ୍କୋଣଂ ଶନି ସର୍ବାଙ୍ଗସ୍ଥିତାରତଃ ରାହୁ କିରୀଟି ରୂପଂ ଚ ମକରାକୃତିମେବ ଚ କେତୁଶ୍ଚ ଭୁଜଙ୍ଗାକାର କୁଣ୍ଡଳୀ ନାଗରୂପକଂ ଏବଂ ନବ ସମାହାରଂ ଗ୍ରହ ସାକ୍ଷାତ୍ ଦନାର୍ଦ୍ଦନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ବା ଡାଣ ନେତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସମୋ ନେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବାମ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ନାସିକା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ, ଅଧର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଚିତା ତିଳକ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି, ରାହୁ ରେଖା ରେ ଶୁକ୍ର, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଓ କୃଷ୍ଣ ଅଂଶରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ମକରାକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାହୁ ଏବଂ ଭୁଜଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚତୁଷ୍କୋଣ
महाप्रभुंकर मुखार विंदटी संपूर्ण भाव चतुष्कुण एटा को मध्य शुक्र कहा जाय थाए राहु रेखा को मध्य राहु वली मध्य संबोधन करा जाय थाए आउ केतु संपूर्ण भाव महाप्रभुंकर निम्न भाग अर्थात महाप्रभुंकर समस्त प्रकार देखिबा को गले केतु स्थित जोगरे समस्त ग्रह माने मध्य महाप्रभुंकर रही अर्थात महाप्रभुंकर संपूर्ण भाव भुज महाप्रभुंकर सी मध्य देखिबा को गले महाप्रभुंकर केतु एई भाव नवग्रह मध्य महाप्रभुंकर पाखरे विराजमान करिछंति देखुचंति नाकुआसी मध्य लागी सरिलानी एपटे आपण देखुचंति वर्षा मध्य सेई भली भाव रे चालिछि रात्ररु वर्षा चालिछि केते बेले वर्षांग इंद्र देवतांकर से मंदिर को धोई दउछंति केते बेले यही बाईसी पावच को धोई दउछंति धौत करि दउछंति यही भावना मध्य श्री क्षेत्र रे समस्त आज्ञा रखितांति गरुड़ स्तंभर जो कथा सिथाए निश्चित भाव रे गरुड़ स्तंभ को आपण देखिथिबे केउठारे बोली आपण मध्य भावुछंति ये कौन ना गरुड़ स्तंभ हेउछि जगमोहन रे विराजमान जगमोहन रे विराजमान मध्य महाप्रभुंकर से गरुड़ स्तंभ को मध्य जानिबा दरकार कहीं महाप्रभुंकर ये एक स्थान जो स्थान को कही मध्य महाप्रभुंकर से स्थान को न जाई बोली कही कही पारे समस्ते से स्थान को जाइए भोगमंडपर सम्मुख भाग को गरुड़ स्तंभ कहा जाय थाए श्रीमंदिर मध्य रेखा उपरे नाट मंडप जहाँ को जगमोहन बोली कहा जाय थाए ए रहस्यमय गरुड़ स्तंभ टी विद्यमान रत्न सिंहासन ठारु प्रायत 175 फुट दूर रे एक सरल रेखा रे आराधित नाट मंडप अर्थात जगमोहन पीठरे तथा भोग मंडप द्वार सम्मुखरे अवस्थित होइछंती महाप्रभुंकर से गरुड़ स्तंभ लागी होउछी मध्य नाकचणा लागी सरिलानी विभिन्न प्रकार रा माला को महाप्रभुंकर लागी होउछी जहाँ को आपण मध्य दर्शन करुछंती अधर माला नाकुआसी नाकचणा जेपरि भावरे महाप्रभुंकर श्रीपयर माला मध्य लागी हेबा तहा मध्य आपण दर्शन करुछंती गरुड़ स्तंभ कथा जिते बड़े आसी था समग्र स्तंभटीर उच्चता होची 10 फुट अटे नाट मंडपर पाद पीठ उपरे 5 फुट विशिष्ट गोटे पीढ़ी और तहीं 3 फुट गोलाकार अर्थात वृत्ताकार आकृति रे गरुड़ स्तंभटी मंदिर निर्माण प्रारंभरु विद्यमान ये स्तंभटी प्रस्तार किंबा काठ नुहे काठ ठारू टाण पत्थर ठारू नरम कौन ताहा किए जानी परे आज्ञा सर्वम रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवे न जानाति कुत मनुष्य को केई मध्य महाप्रभुंकर ई रहस्य को एपर्यंत जानी ना किए कहीदब ये कौन बोली ताहले मध्य से समस्त प्रकार कथा को जे महाप्रभुंकर कथा को जानी थी आज्ञा ब्रह्मा आसिले ये कथा आज्ञा कही पारिबे इंद्रादि देवता आसिले आज्ञा ये कौन बोली कही पारिबे साक्षात मनुष्य आज्ञा कही पारिबे नाही एठी आपण भावुथिबे ये कौन एते रहस्य हाँ आज्ञा रहस्य नहले आपण देखिबे जेपरि भावरे पत्थर रे ये सबू कौन लक्षण थाए काठर लक्षण भली आपण देखिबे कौन जेपरि भावरे गछरे सिरा होई थाए सेई भली गछरे देते बे जेपरि भावरे गुब गुब भारी थाए सेई भली देखिबा को पाइबे आपण थरे देखंतु भल भावरे नील रंग पड़िथिबार आपण मध्य संदर्शन हब ए भली भावरे अनेक प्रकार वैचित्रता महाप्रभु सेठारे सेई गरुड़ स्तंभ पाखरे मध्य रहिछि जो गरुड़ स्तंभ को महाप्रभुंकर मध्य कहा जाय थाए
अनेक प्रकार कथा सहित इंग्राजी यहाँ इंग्राजी मध्य महाप्रभुंकर स्तंभर काठ नुहे को इंग्राजी रे फसिल मध्य कहा जाए गरुड़ स्तंभ संपर्क विशिष्ट शिक्षावत तथा प्राबंधिक चंद्रशेखर रथंकर मत मध्य रही स्तंभटी कोटि कोटि वर्ष पूर्वे पथर पालटी जा काठ थिला कि कौन थिला से जानिथिबे तंकर भावना अनुसार जहाँ सी संपूर्ण भाव गवेषणा करिछंती पथर पालटी जा किंतु पथर थारु मध्य नरम भूमि संलग्न पीठ एवं उपरे बैठी मझीरे जो स्तंभ को प्रत्येक भक्त दर्शन पूर्वरु कुंडी पकई थांती तंकु भल करी देखिले जना जाए जे ता सहित ऊपर प्रतिष्ठित थिबा मूर्ति मूर्तिर बैठी किंबा तल पीढ़े कौनसी संपर्क नाही कहीं ना गरुड़ स्तंभ को देखिबे गरुड़ स्तंभर मध्य से भली भाव रे अलगा पथर लागी यदि पथर सेटा को तो पथर मध्य जाता सी पथर अलग देखा जाए पथर मध्य अलग देखा किपरि भाव कौन रहस्य निश्चित भाव आपण आसी मध्य थरे देखंतु थरे देखिले जानिपारे ये गरुड़ स्तंभर रहस्य कौन कहीं महाप्रभुंकर गछरे फाट जपरि भाव देखा जाए से भाव गंडी एवं शिरा जमी थाए से भाव में मध्य महाप्रभु यहीपर भाव में अरुण स्तंभ देखुंत अरुण स्तंभ संपूर्ण भाव में कला मुकुनी पथर से तादर कौन याव अच्छी रहस्य किसी रहस्य ना ता देखिए संपूर्ण भाव पथर जहाँ लक्षण ता भर अच्छी किंतु एठार जपरी भाव शिरा जपरी भाव रही था से भाव अच्छी से समस्त थिबार रहस्य मध्य देखा जाए था ये समस्त एथिरे विद्यमान किंतु स्तंभटी निदा एवं खूब टाण ईशत श्वेत वर्णर जहाँ कि कह जाए था ये मध्य आपण ईशत श्वेत वर्णर मध्य पथर देखिथे से पथर को देखु ये पथर को थरे देखु जानपारे संपूर्ण भाव ये केते प्रकार या भीतर रहस्य अच्छे महाप्रभु को आलिंगन सुख को प्रदान करुछंती ना महाप्रभुंकर जेपरि भाव महाप्रभु को आलिंगन करिवार एठारे सुख को महाप्रभु प्रदान कर दिखाई या भीतर कौन अच्छी जिते बड़े भक्त टीए निश्चित भाव देख भक्त टीए बुझिपे ना साधारण कथा नुह महाप्रभु को किंतु एठारे महाप्रभु को गरुड़ स्तंभ को आलिंगन कले महाप्रभुंकर आलिंगन सुख को संपूर्ण भाव प्राप्ति होता है तिले मात्र सन्देह ना जपरी भाव देखुंट बरसात अपर्याप्त भाव चली एपर्त चली बर्षा आपण अनुभव करें घरे बसिले आपण महाप्रभु को देखिले महाप्रभुंकर भक्त माने किपरि भाव छता प्रवेश ना मंदिर भितर को छता जीवना कहीं छता जहाँ उपरे रही छत्रपति बोली कहु छत्रपति किए ना महाप्रभु होती छत्रपति महाप्रभु होती राजाधिराज राजांकर उपरे छता जीव महाप्रभु राजाधिराज बसी आमर तो उत्कल राजा मध्य अच्छा गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर किंतु महाप्रभुंकर पाख को से छता नहीं कि मध्य से मध्य कपड़ार छता नहीं कि आसी था पुनर्बार से मध्य आपण देखिथे से केउठारे रही थाए ना रथ ऊपर को चढ़ला बेले रथ तले रही थे से भाव में महाप्रभु केवल जिते पर्यंत जाऊे छति आगे आगे जाऊपाई छतार प्रवेश मध्य होन थाए से निश्चित भाव महाप्रभुंकर ये सबकि जहाँकि जीवा कथा जाए जेपर भाव आपण आसी निश्चित भाव अनुभव करें छता जीवना जोता जीवना विभिन्न प्रकार महाप्रभुंकर महाप्रभुंकर जेपर भाव आपण दर्शन करें ये सब जिनस जाए ना कारण
महाप्रभुंकर सेठारे मंदिर हेउछि एमिति एक रहस्य आपण भल काम करिबा द्वारा आपणकु पुण्यता प्राप्ति होइथाय। आपण ता भितरु खराब कार्य करिवे निश्चित भावरे आपणकु दण्ड मध्य संपूर्ण भावरे चालिबो। महाप्रभुंकर वेश श्रृंगार चालिछि अर्थात विभिन्न प्रकार माळ मध्य महाप्रभुंकर लागि होउछि। माळ होइ सल्ला माळ लागि होइ सल्ला परे परे निश्चित भावरे भोग नैवेद्य आळती मध्य करा जिवो। माळ सबु लागि सरिलाणि प्रायतः किंतु आउ किछि किछि माळ मध्य अछि। श्रीपयर माळ मध्य महाप्रभुंकर पाखरे रहि थाए। अधर माळ ता मध्य लागि होइ थाए। विभिन्न प्रकार मल्ली माळ सुगंधीर माळ जेपरि भावरे एहि समय रे आज्ञा समस्ते देखुथिबे मालती फूल आज्ञा महाप्रभुंकर अतीब प्रिय। बासी हेले लगेबे सुकिला हेले लगेबे धोईकि आनिले देले मध्य लगेइ देबे से मध्य मालती आज्ञा। मालती एही समय रे लागिबो पुनर्बार जहाँ लागिबो 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 सुकिला हेले मध्य महाप्रभुंकर कार्तिक मास रे मध्य लागिथाय। मालती अँला आउ तुलसी ये सब तीनोटी वस्तु कार्तिक मास रे महाप्रभुंकर राधा दामोदर वेश जेते बेले महाप्रभु अपूर्व भाव रे आपण देखुचंती। महाप्रभुंकर संपूर्ण भाव रे प्रायत वेश श्रृंगार सरिछि। वेश श्रृंगार सरी सल्ला परे पूजा पंडा सेवक कौन करिथंती सेठारे थिबा समस्त प्रकार पुष्प तुलसी मान जो मध्य संपूर्ण भाव रे सेठारे पड़िथाय। भल भाव रे महाप्रभुंकर से स्थान को मध्य पोछाटीए कर दिंती भल भाव झाड़ी दिंती से स्थान को कहीं भोग नैवेद्य जेहेतु लगा जीवा से स्थान को भल भाव सफा कर दिंती से भाव कराई दौंती। आपण माने मध्य देखुचंती चका चका नयन महाप्रभुंकर चका नयन रे चका वैठी पकई महाप्रभु ये वर्षा को मध्य अनुभव करुचंती। आज्ञा वर्षा को समस्ते अनुभव करिथांती। वर्षा को अनुभव करिवेनि त आउ के अनुभव करिबो महाप्रभु ही अनुभव करिथांती। वर्षा को अनुभव करंती शीत को अनुभव करंती ता सहित खरा को मध्य महाप्रभु अनुभव करिथांती। सेति पाई त ये वर्षा काल रे बुलीबा को आसीतिले ना महाप्रभु आषाढ मास वर्षा आरंभ श्रावण रे मध्य धारा श्रावण चलीछि। आपण माने मध्य देखुचंती कि परिभाव रे धारा श्रावण चलीछि टिपी टिपी वर्षा चलीछि महाप्रभुंकर कहीं कवा जा श्रावण रे श्रीमंदिर कुंज परी लागे लो। श्रावण रे श्रीमंदिर महाप्रभुंकर कुंज भली लागे किपर भाव ना वर्षा पड़ुव आकाश रे मेघाकृति होली भाव महाप्रभु मध्य मंदिर टी शोभा पाई थाए। से महाप्रभुंकर श्रावण जिते बड़े सरी सरी आसुव से मध्य महाप्रभुंकर कुंज मंदिर मध्य गोटे होताए जार नाम हूँ महाप्रभुंकर कह कण ना श्रीक्षेत्र झूलण जत्रा। ये मध्य स्वतंत्र भाव किंतु टिके लेट अच्छी विलंब अच्छी कारण ना महाप्रभुंकर मझीरे गोटे मलमास आरंभ हो जीव। ये मलमास केबे ठारु आरंभ हो ना 18 तारीख ठारु आरंभ हो जीव। 17 तारीख दिन महाप्रभुंकर स्वतंत्र भावर सहित ये जो अच्छी मास वृद्धि होइथिबा द्वारा ये केते बेले तीन वर्ष रे पड़िथाय केते बेले 28 मास रे मध्य पड़िथाय। ये मध्य स्वतंत्र भावरे तार मध्य किपरि भावरे कौन पड़िथाय तार मध्य गोटे रहस्य आज्ञा मलमास रहस्य जाकु स्वतंत्र भावरे मध्य आपण निश्चित भावरे अनुभव करिथिबे। ये मलमास केते बेले श्रावण रे पड़िथाय केते बेले मध्य आसिन्न रे पड़िथाय केते बेले मध्य महाप्रभुंकर आषाढ़ मास रे मध्य पड़िथाय। ये जोड़ा श्रावण रे महाप्रभुंकर मध्य स्वतंत्र भावरे आपण दर्शन करिवे। आउ श्रावण मासर जो महत्व रही से मंदिर भितर को आपण आसिले से संपूर्ण भाव रे गोटे देवता मंदिर रही जो को महाप्रभुंकर सी होती पुरुषोत्तम नारायणकर मंदिर तंकु मध्य आपण दर्शन करिवे। महाप्रभुंकर तो ये श्रीक्षेत्र वातावरण को आपण दर्शन करुछंती किपरि भाव रे भक्त माने आगमन करुछंती महाप्रभुंकर पाख को जाउछंती किपरि भाव रे महाप्रभुंकर पाखरे पहुंची कि महाप्रभुंकर पाखरे केते कथा कहुछंती ताहा केवल अनुभव करुछंती। आपण बसी आपण जते बेले महाप्रभुंकर पाख को आसीबे निश्चित भाव रे
प्रथमे जहाँ को दर्शन करिवे कहा को ना पतित पावन बाना को से पतित पावन बाना को मध्य आपण दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर से मध्य नीलचक्र को मध्य आपण दर्शन करुछंती जो पतित पावन बाना को देखिदेले समस्त प्रकार पातक मध्य घुंची जाय थाय कहीं पातकी मान को महाप्रभु डाकी थांती केवल पातक हरण करिबा पाई से पातकी मानंकु महाप्रभु डाकी थांती एथि पाई कहीं आमे समस्त आज्ञा पातके किछि ना किछि मध्य आमे पाप कर्म प्रत्येक दिन करुछंती बालहम यौवनस्थ विषय विषयदर पंचेभि मर्म संधि महाप्रभुंकर निश्चित भावरे ये जे जन्म होइछि से किछि ना किछि तार कला कर्मर फल को मध्य भोग करिथाय से कला कर्मर फल को महाप्रभु मध्य करिथिबा कर्म को महाप्रभु निश्चित भावरे ताहाकु मध्य एही जन्मरे निश्चित भावरे देइथांती आमे टिके महाप्रभु को डाकिले से कला कर्मर फल मध्य निश्चित भावरे किछि गुणरे मध्य आमे तो भोग करिबा जोठी एक्सीडेंट हबार थिबो जेकि दुर्घटना हबार थिबो सी मध्य संपूर्ण भावरे गोटे झिंटी पड़ी मध्य आमे झिंटी पड़ा रक्तपात हेब जो ठारे विपुल मात्रे थीटा को महाप्रभु छोट करदे पथर टी से जगार फूल करदे महाप्रभु कहीं आपण पथर रही से अनुसार फूल अच्छी आपण से अनुसार फूल को जी करपारती जहाँ पद पड़गले आज्ञा गोटे पथर टीए नारी हो जाए ताहा मध्य आपण जानी से महाप्रभु को सदा सर्वदा डाकंतु महाप्रभु को आपण सदा सर्वदा गुणानुकीर्तन करंतु महाप्रभुंकर से देखुंत किपर भाव कर्पूर लागि करा जाउछि कहीं सकाळे कर्पूर लागि होइथाय मध्य बेस सरी सारा पर महाप्रभु को टिके सुगंधित करदेबा सुगंधि द्रव्यमान महाप्रभुंकर जेपर भाव कर्पूर लागि बासना फूल मध्य महाप्रभु लागि से भाव आपण दर्शन करुछंती आसंतु यही भाव महाप्रभुंकर दर्शन करी महाप्रभुंकर मध्य गोटे गोटे भजन को महाप्रभुंकर अनेक प्रकार भजन रही श्रवण करिबा ता पूर्वर महाप्रभुंकर गुणानुकीर्तन करदेबा महाप्रभुंकर नाम को टिके संकीर्तन करदेबा से नाम कौन ना ये कली जुगर आम को महाप्रभु ही तारण करती जगन्नाथ 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 त्राही माम जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 त्राही माम जगन्नाथ 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 पाही माम जय जगन्नाथ अपना सुंतु सुंदरातीत सुंदर भजन श्रवण करिबा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।